दोस्तों, गणेश उत्सव नेड़े आ रहा है ते गणेश उत्सव नूं मनाउण वाले अजे तक अंदर ही दिखाई दे रहे ने ते मूर्तिकार मर रहे ने भुखे जी। दोस्तों, 2 सितंबर दा हुंदा है गणेश उत्सव ते वड्डी गिणती विच मूर्तियां दी हुंदी है सप्लाई। मूर्तिकार 4 महीने पहलां तो ही कर दिंदे ने कम शुरू ते बाहर तो भी मंगवाउंदे ने कारीगर। बठिंडा विखे एक कारीगर ने कहा कि इस बार कोरोना की मार साढ़े नाल नाल गणेश जी दे भी पै गई है। अगे सानू 4 महीने पहलां ऑर्डर मिलने शुरू हो जाते सन ते एक मूर्ति 1000 रुपये तो लैके 15000 तक विक जाती सी। असी बाहर तो कारीगर मंगा के अते अपने छोटे बड़े बच्चों नू नाल लगा के काम पूरा करते सी। इस बार इस दी ऐसी मार पई कि साढ़े बच्चे भुखे मरन किनारे आ गए ने। उन्हां कहा कि अगे असी अपने बच्चों का पेट ये गणेश दियां मूर्तियां वेच के ही पूरे साल का गुजारा कर रहे सी, पर इस बार सानू उत्सव दे विच कोई ज़्यादा रंग दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए ऐतकी साड़ी उम्मीद बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। इस बार सानू किसी भी तरह की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। अगे साढ़े को ऑर्डर 4-4 महीने पहला शुरू हो जाते सन अते साढ़े को काम पूरा नहीं हो रहा सी। असी इसलिए बाहर तो कारीगर मंगवा के एक काम पूरा करते सी, पर इस बारी उम्मीद बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। इस कोरोना की महामारी ने साढ़े बच्चे जिते सड़कों पर लिया दिते ने, उत्थे गणेश जी भी हुण सड़कों पर ही दिखाई दे रहे ने। कोई भी इन्हां नूं घर लैके जाण नूं साढ़े कोल नहीं आ रहा, किसी भी तरह की उम्मीद सानूं अगे दिखाई नहीं दे रही। तुसीं देख रहे हो यह मूर्तिकार दे घर दे बाहर पईआं कुछ मूर्तियां दिखाई दे रही ने जो सड़कां दे किनारे पईआं ने, लेकिन गाहक कोई नहीं दिखाई दे रहा। मूर्तिकार वालों बहुत सोहनिया ते सुंदर बनाईआं इह मूर्तियां तुहानूं दिखा रहे हां, सड़कां दे किनारे पईआं दिखाई दे रही ने, पर कोई भी गाहक दिखाई नहीं दे रहा कोरोना की मार करके। मेरा नाम संतोष है। क्या कहना चाहोगे, कैसे पहले काम करते थे? काम बहुत बढ़िया चलता था, अभी तो काम ही नहीं चल रहा है, क्या करें, बुरा हाल होता है। बसों को दूर भी पैसे नहीं है, खाने पीने का कुछ भी नहीं है, राशन पानी का भी बहुत हाल होता है, ना लाइट ना पंखा, क्या करें बाबू जी, बुरा हाल होता है। राशन का कलर का पेंट का कैसे पैसे भरेगी, ऐसे हमें बुरा हाल होता है। पहले काम करते थे दिन रात, कैसे चलता था? दिन रात सारे दिन करता था, वो तो सलग जाता था। अभी कुछ नहीं है, अभी तक पैसे भी पास में नहीं है, लड़के के भी गोली दवा कहाँ से लाएगी, अभी रोड पे पड़ा है, देखो कमेटी वाला भगा रहा है, क्या करे बताओ, बुरा हाल हो रहा है। अभी राजस्थान में जाए तो अभी कहाँ जाएगी, ऐसे में कितने सालों से जहाँ रह रहे थे? हो गया अभी 25 साल हो गया, 80 साल हो गया, अभी काम धंधा कर कर के थक गया, अभी क्या करे बताओ, बुरा हाल हो रहा है। रोड पे इधर सामान लगे, इधर सामान लगे, कहाँ ले गए, कहाँ गए हम बटके बताओ। क्या जी, हम मूर्ति बनाते गणेश जी की, ये हमारे बहुत बुरा हाल हो रहा, क्या करेगी, इधर कमेटी वाले परेशान कर रहे, इधर के लोग परेशान कर रहे, कहाँ जगह नहीं, कहाँ ठिकाना नहीं। पहले मित्तल मॉल के सागर रत्ना के पास में रहा करते, मूर्ति बनाया करते, वहाँ पर कमेटी वाला परेशान कर दिया, हमको हटा दिया, क्या करें मूर्ति बना रहे हम लोग। हमारे साल में जो सा ये कि त्यौहार आता था, अभी हम लोग मूर्ति बना के रखे तो हमारे घर आगे आए तो ना बिके, मूर्ति टेंशन बढ़ रही है। हमारे पर 2-3 लाख रुपये 2.5 लाख रुपये हमारे पर कर्जा है, वो ब्याज भी ले रखा है, वो भी हमने अगले साल ले रखा था, अभी तक तो पूरा नहीं पड़ रहा है। इस साल के हम लोग और बनाएंगे और कर्जा पड़ेगा हमारे ऊपर, इतना बुरा हाल चल रहा, क्या करे। बच्चों के पास में पैसे नहीं कि बच्चों को दूध भी ला के पिला सके, राशन वाला किराने वाले वो मांग रहे 5-6 हज़ार 10 हज़ार तो उसके हो गए किराने वाले की, अब क्या करें, इतना बुरा हाल चल रहा। जहाँ देखो जहाँ लोग परेशान कर रहे, ना बैठने दे, ना जगह दे हमको, दे कोई मूर्तियाँ टूट रही, हमारे इतने मुसीबत पड़ रही, क्या करें जी। पहले जब गणेश चतुर्थी का त्यौहार आता था कितनी खुशी होती थी, अब कैसे हालात? हमको बहुत खुशी होती थी, फिर भी हमारे टाइम वाले के लिए तो गुजारा बढ़िया निकल जाता, जो साल में हमारा वो एक ही त्यौहार है, बाकी ऐसे आम हो गए, मूर्तियाँ बिक गई, ऐसी
उसमें हमारा टाइम पास के लिए आता था, जैसे बाकी हमारे 2 रुपये मिल जाते हैं, गणेश जी के त्यौहार मिलता, वो साल में एक बार ही आता था हमारा त्यौहार। ये अगले साल हमने अपने 2 लाख रुपये ब्याज भी ले रखा, 7 रुपये हिसाब से, वो भी हमारे ऊपर कर्जे वैसे ही कैसे, हमने सिर्फ ब्याज भरा ऐसे पैसे से खड़ा, इस साल तक हमारा फिर भी कर्जा नहीं उतर पा रहा। और अब कि हमारे गणेश जी बना के रखे ना बिके करे, टेंशन इतनी पड़ रही है, इतना बुरा हाल चल रहा है, खाने पीने के पैसे नहीं पास में, बच्चों को दूध के पैसे नहीं है, इतना राशन पानी का बुरा हाल चल रहा है, क्या करे, छोटे छोटे बच्चे लगे बैठे रोडों पे। नाम है आपका? मालाराम जी। हाँ जी, क्या कहना चाहूँगी, जब पहले गणेश चतुर्थी आती थी किस तरह की तैयारी होती थी, अब कैसे हालात आपके? अब हालात जी बुरे ठीक है, जो रही गणेश जी की तो इस बार मुश्किल ही है, हमको इतनी वो नहीं है क्योंकि हमारा पैसे पूसे नहीं है, लॉकडाउन के अंदर फंसे पड़े हम लोग, नहीं कुछ पैसे, नहीं खाने को, नहीं पीने को, नहीं रंग, नहीं पेंट है, नहीं मूर्ति बनाने के लिए कि पीओपी वगैरह है ठीक है। और रही बात इतनी बारिश है, जैसे आंधी तूफान आती है, इसमें बहुत दिक्कत पड़ती है, ना ठिकाना ना जगह हमारे पास, ना कोई रहने के लिए। बाकी ठीक है, हम लोग राजस्थान से आए हुए, जालौर जिले गाँव माहौर से ठीक है, इधर फुटपाथ पर रहते हैं तो कमेटी वालों की परेशानी है ठीक है, इधर से भगाते उधर जाते, उधर से भगाते इधर जाते, हमारा जगह का पता नहीं है, ऐसे मिस करके अभी गणेश जी बनाए तो कैसे बनाए, और बुरा हाल है हम लोग का, एक भगवान की मूर्तियाँ रखने को जगह नहीं मिल रही बाकी ठीक है, और रहने को हमारा तो बहुत नामुमकिन और बहुत मुश्किल ही है बताओ, और हमारा गरीबों का कोई साथ देने वाला नहीं है, जब भी आओ कमेटी वाले भगाने लगे, जब भी आए कमेटी वाले भगाने लग जाए, इसीलिए हम लोग का बुरा हाल है ठीक है जी। और रही बात तो गणेश जी कैसे करें, हमारा पैसे भी नहीं, नहीं कोई काम है, नहीं धंधा कोई, और भी काम नहीं हम लोगों के पास, इस बार उम्मीद गणेश जी पे थी लेकिन क्या करें, कुछ ऐसा हालात आ गए, इसलिए मुश्किल ही इस बार चांस हम लोगों का, और उम्मीद हमारा गणेश जी के ऊपर ही टिकी होती ठीक है, और इस गणेश जी के ऊपर 2 रुपये की आशा होती है लोगों के, जैसे किराने वाले के, रंग कट्टे वाले के, हमारा घर का अपना खर्चा, परिवार का, शादी ब्याह का कुछ भी हो गया, 2 रुपये कमाते थे, हमको आशा उम्मीद थी गणेश जी के ऊपर ली, लेकिन इस बार है ही नहीं गणेश जी का कोई आशा शंका इतनी, और सोच रहे विचार रहे हम लोग बनाए कि ना बनाए, बिकेगी कि ना बिकेगी, क्योंकि हमको परेशानी बहुत आ रही है, बहुत दिक्कत आ रही है, नहीं खाने को, नहीं पीने को, नहीं कोई रहने को जगह, नहीं कोई ठिकाना, हम लोग का बुरा बहुत हाल बुरा हाल ठीक है, और नहीं हमारी सहायता की जाती है, नहीं हमारे को ठिकाना है जी, क्या करें। पहले कितने कारीगर यहाँ पे काम करते थे, बाहर से भी बुलाए जाते थे? हाँ, बाहर से भी आते थे 4-5 कारीगर ठीक है, बाकी कोई छोटे बच्चे मिलके हम 20-25 मल के घर परिवार के, अपने मम्मी डैडी मेरे परिवार छोटे बड़े सारे घर के मिलके हम लोग ये मूर्तियों का काम टाइम पास करते थे, और चलता था हमारा गुजारा, चलाते रोजी रोचक, और इस बार तो कोई पता नहीं है, और बहुत मुश्किल हालात आ गए हमारे, इतनी बारिश है, तूफान है, बहुत मुश्किल पड़ता है हमको जी। कितनी मूर्तियाँ बिक जाती थी? मूर्तियाँ बिक जाती है 20-25 मूर्तियाँ, छोटी बड़ी बिकती है, जैसे बाकी कोई बड़ी मूर्तियाँ होगी वो बिकती थी, लेकिन उस पर 2 रुपये बनते, छोटी मूर्तियों पर टाइम पास है। पहले कितनी बिकती थी? पहले बिक जाती है 50-60 मूर्तियाँ, छोटी बिकती है, कोई बड़ी मूर्तियाँ चली जाती थी, बाकी बना लेते थे ग्राहक के हिसाब से, जैसे भी ग्राहक आए वैसे हम सोचते, तेजी हो तो अपन ज़्यादा मूर्तियाँ बनना, 150-200 ही बन जाती थी, अब इस बार है तो मुश्किल ही है, शायद देखो अब विचार कर रहे हैं। पहले कितने महीने पहले काम करने लग जाते थे? हम जी इसे 4 महीने पहले स्टार्ट कर लेते काम ठीक है, और इसे काम करते करते हम लोग को रंग है, पेंट है, रिपेयरिंग है, सब कुछ करते करते फाइनल टच, जैसे गणेश जी के 10-15 दिन रहते हैं ना, फाइनल टच करके छोड़ देते गणेश जी को, फिर 4-5 दिनों में मूर्तियाँ बिकनी स्टार्ट होती है हम लोगों की जी। ऑर्डर कितने का आ जाते थे? ऑर्डर जैसे आते थे कभी 10 मूर्तियाँ का, 20 मूर्तियाँ का, कोई किसी ने 500 दिए, किसी ने 1000 दिए, उसके जरिए हमारा पेट पालते थे, रंग पेंट लाते थे, और राशन पानी ला के टाइम पास करते, और इस बार ग्राहक भी नहीं आ रहे, ना सही नहीं कोई ऑर्डर, कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा है हमारे पास, इसीलिए बहुत बुरा हाल है, और इस बार बना नहीं रहे मूर्तियाँ हम लोग, इसीलिए बंद पड़ी हुई है, क्या करें जी। बठिंडा सरगर्मियां देखने लिए साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो, बैल आइकन का बटन दबाओ, लाइक करो।